जो ये है ना कद्दू की जो बेल होती है और इसके होते हैं टुकले, और टुकले की सब्जी इतनी टेस्टी होती है ना, तो हम बनाएंगे कल टुकले की सब्जी। परसों दिन में बनाएंगे? नहीं, हम कल बनाएंगे। नहीं यार, मैं आऊंगा जब बनाना। हम कह रहे जाने के लिए, हम थोड़ा कह रहे जाओ, हम तो बनाएंगे। घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। क्या करे, जाना पड़ता है। बिल्कुल सही, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, तो ये जा रहे हैं। मजाक कर रही हूँ मैं, जब ये आएंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि इनका भी फेवरेट है टुकले की सब्जी और साथ में पायो, बड़ा टेस्टी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे। तो अभी गुड मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम हो रहा है अभी, और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे। टाइम क्या हो रहा है अभी? 6:30-7। 6:30 और 7 के बीच का टाइम है, क्योंकि 6 बजे तो हम उठते हैं, तो चाय वगैरह हमने पी ली है और उसके बाद हम जा रहे हैं पानी के लिए। तो ये हमारे पास है गागर पानी को जांदी तामा गागर लेक तामा गागर या। और ये मुझे मिली है, ये है सीता, इसकी बीवी का नाम है गीता। तुम्हारा नाम है सीता गीता होना चाहिए नहीं? हाँ, होता है ना, जो ट्विंस होते हैं उनका नाम रिंकी पिंकी सीता गीता, उन्होंने ऐसा कुछ होता है नाम रिंकी पिंकी। हाँ, तो मैंने कब काव की बेगा रखा। तो अभी हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए, पानी के पास, और आज काफी टाइम बाद मैं पानी के पास का व्लॉग बना रही हूँ आप सबके लिए, क्योंकि इस वाले में पानी में जो है ना बहुत मटमैला पानी आ रहा है अभी भी। मैं की पता खो गई यार, ने तो थका लेनी। क्या करने हम गए यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, वो है पायल और छुप रही है वहां अंदर, यहाँ पे थी वो, जैसे उसने देखा कि मेरे हाथ में कैमरा है और मैं व्लॉग बना रही थी, छुप गई। यहाँ एक चाची भी खाना खा रही थी, वो भी छुप गई। तो आप पहुंच चुके हैं हम पानी के पास। अरे नहीं आ रहा, आ रहा होगा, कितना मोटा आ रहा है, देखो कितना तेज पानी आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है ना, काफी तेज आ रहा पानी, और आज के लिए पानी आ रहा है यहाँ पे, ज्यादा धुंध नहीं हो रही है। यहाँ पे फिर से सफाई करनी पड़ेगी है ना, बहुत ज्यादा घास जम गया है। चलो करनी क्या, भर दे, मैं तो लेट हो जाऊंगा। यहाँ से हम लेके जाते हैं पीने का पानी, तो ये वाला जो पानी हम लेके जाते हैं तो ये सिर्फ पीने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी जो घर के पास हम पाइप लगा के यूज़ करते हैं पानी, वो होता है हमारे टॉयलेट बाथरूम के लिए, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो वही वाला पानी, उस वाले पानी की ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इसकी, तो ये होता है कि अगर ये ना भी आए तो हम एक दो बर्तन धारे से ला सकते हैं, है ना। धूप खतरनाक लग रही है। चल। और ये लेके आए अपने अपने लिए इतनी छोटी सी गागर, दहेज वाली है, ये दहेज वाली है, फेवरेट है, फेवरेट है इनकी। पर एक बात, ये बहुत बड़ा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं दे दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से दिया ना मेरे पापा ने, इनको पता था ना कि ये हाइट। तांबे के बर्तन में पानी पीना मतलब सेहतमंद होता है, अच्छा होता है। मैं तो बनने भी सेहत एक महीने से, जैसे पी रहा हूँ मैं, एक डेढ़ महीने दो महीने से, ऐसे सेहत थोड़ी ना बनेगी कि आप मोटे हो जाओगे। मैं कह रही मतलब अच्छा होता है शरीर के लिए, तांबे के बर्तन से पानी पीना, लोग तो सुबह उठ के तांबे के लोटे में पानी भर के तब भी पीते हैं, सुबह उठ के रात को रख लेते हैं ना। तुम क्यों नहीं रखते फिर, प्लास्टिक की बोतल में रखते हो? हमारे पास इतना बड़ा बंठा ये है लोटा, हम नहीं रखते।
चलें चलें उठाऊं पहले मेरे में उठाना। और ये मैं क्यों लाई हूं? मैं देन लाऊं जरा लाइव चैनल लाइव जरा वीडियो चल। यस शाबाश चलो तो चलिए फिर अब चलते हैं हम घर। यस 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 अभी हम आ गए हैं पानी लेके और उसके बाद अब नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता बनाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाले कमरे में, आपको अभी सो रही है, काफ़ी देर तक आपको सोती रहती है, उठती नहीं है। ये देखिए आपको सो रही है, दीदी सो रही है। और तो पानी लाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, मैक्रोनी प्लस पास्ता, दोनों चीज मैंने मिक्स करके इसमें बॉईल कर दिया क्योंकि हमारे घर में काफी टाइम से पास्ता भी बचा हुआ था और थोड़ी सी मैक्रोनी, तो दोनों की क्वांटिटी है जो कम थी तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। कौन कौन लोग ऐसे बनाते हैं मिक्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे ये प्याज लिया है मैंने, इसको कट करेंगे मैम जी, कट। हाँ इनकी स्पीड दिखाती हूँ प्याज कट करने की, टाइम नहीं है ना, टाइम ना वो काम। और यहाँ पे चाय बन रही है और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तो प्याज कट करेंगे अभी। ये देखो इसकी, कहाँ से किया है, कौन सा आपने? जयपुर से, जयपुर गए थे एक साल, क्योंकि जो फील्ड आपका अभी है उसमें तो ऐसा काम नहीं होता है। ये दूसरा फील्ड है, मैंने छोड़ दिया। ज्यादा नहीं हो रही है थोड़ा बचा दो फिर, अगर ज्यादा लग रहा है वो वाला डालना पड़ेगा जो कट कर रखा है तो ज्यादा ही। और यहाँ पे मम्मी जी को लग गई है बहुत ज्यादा भूख, भूख लगी तुम तक? बहुत भूख लगी भाई। कब बनल तुम नाश्ता? और देखो मम्मी ने रस्सी रस्सी खो बंदी कमर पर। तो अभी हम हैं नीचे वाले कमरे किचन में, मतलब तो ये कमरा ही है तो हम कभी कमरा बोल देते हैं कभी किचन बोल देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी बोल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, कितना भूख लगी? कल रात को कितनी रोटी खाई थी? 15 रोटी खाती है मम्मी। और गुड्डी वहाँ पे लगी है फोन पे व्हाट्सअप चला रही, व्हाट्सअप ना तो चलो नहीं गुड्डी। तो घास लाने का जो रस्सी यानी उसको हमारे यहाँ बोलते हैं जुड़ू, तो ये बोल रहे हैं कि मम्मी जी ना रात को कमर कस के ही सो जाती है, मतलब सुबह कौन बांध रहा है उसे लिए, इनकी बहू इन्हें खाना नहीं देती। लोगों मैं महंगा खान रहा, मैं तो सुनसान सा ना लेके गो बाल्टी। यहाँ पे हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं, बाल्टी का है, बाल्टी बाहर है, क्या करना है मैं करती हूँ, लाओ ये पानी में डालना इसमें से, लो पकड़ो। वीडियो में दिख रहा है ना कि खाना जाना चाहिए। तो प्याज हो गया हल्का सा फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज को, आधा हाफ फ्राई होगा है ना। सो यहाँ पर डाल रहे हैं मैक्रोनी पास्ता, दोनों मिक्स करके बॉईल किया जैसे मैंने आपको पहले बताया वो।
तो यहाँ पे इन्होंने मसाले मिक्स किए हैं, पर मुझे लग नहीं रहा करे क्या कोई कलर तो आने का, हल्दी नहीं डाली होगी अभी, डाल रहा धीरे धीरे कलर आएगा। और एक तो गांव की हल्दी है ना, उसका कलर थोड़ा कम ही आता है, धीरे धीरे आ रहा है अभी कलर, रास्ता लग रखा वो। अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट तक पहुँच गए। और इसी किससे ये हमारे कुक है, थोड़ा हाथ डाल देते हैं। मिर्च मत डालना है अभी आपको, कलर निकालना पड़ेगा पहले। ज्यादा बोल वो कौन लेगा। हां नमक ले, नमक चेक कर रहे हैं। तो मैक्रोनी हो चुकी है तैयार, अब करते हैं सर गैस तो बंद। मैंने खाई भी नहीं थी उन्होंने बैठ, मैंने हर वक्त ना इस केस हम बैठे में खाना खाना है। तो ये देखिए सबके लिए यहाँ पे परोस दिया है, मम्मी जी भी मैक्रोनी खा रही है, तो कन माँ बने मैक्रोनी बढ़िया बने। अब मम्मी जी नमक थोड़ा कम खाती है, तो मम्मी जी पहले ही बोल देते हैं कि नमक कम डालना, जिसको ज्यादा खाना है वो क्या करेगा इनके गन? तो अपने हिस्से में बाद में डाल लेना। तो सबको दे दिया है, मैं जो है अधिकतर खाना खाती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट आता है कढ़ाई में खाने में। तो तो मैं दिखाऊंगी नहीं पर। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, और उसके बाद अभी हो रहे हैं रेडी, और मुझे नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने हैं और काम घर के करना है। तो अक्कू भी सो ही रही है अभी भी, और टाइम हो गया 8 बज गए हैं। तो हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, 8 बज रहे हैं और ये जाने की तैयारी में है, तो कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। कौन जाऊँगा मैं 12-1 बजे। आगे भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि इनका फ़ोन है और ये जा रहे हैं, तो फिर ब्लॉग भी यहीं पर मैं एंड करूँगी। और होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद आपको अपने धारे के पास यानी पानी के पास लेके गई हूँ, तो मतलब काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि पानी के पास जो व्यू है बहुत अच्छा आता है ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए कद्दू पे भी फूल लग गए हैं, ये जो फूल है येलो कलर का ये कद्दू का है, और कद्दू की बेल है ना यहाँ नीचे से और यहाँ से पूरे ऊपर और वहाँ आगे तक चली गई है, और कुछ टाइम बाद यहाँ नीचे तक आ जाएगी। तो इसके टुकड़े होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो सब्जी हम बनाएंगे। जो कद्दू की बेल है ना वहाँ नीचे से और इधर आ गई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे पे ये नीचे वाला पोर्शन है। ओहो यहाँ पे वो भी है, छिपाड़ू छिपाड़ू कोई दो है, दो आपने भगा दिया मियां बीवी का। तो जो ये है ना कद्दू की जो बेल होती है और इसके होते हैं टुकले, और टुकले की सब्जी इतनी टेस्टी होती है ना, तो हम बनाएंगे कल टुकले की सब्जी। परसों दिन में बनाएंगे? नहीं हम कल बनाएंगे। नहीं यार मैं आऊंगा जब बनाना। हम कह रहे जाने के लिए, हम थोड़ा ना कह रहे जाओ, हम तो बनाएंगे। घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। क्या करे जाना पड़ता है। बिल्कुल सही, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया, तो ये जा रहे हैं। मजाक करी मैं, जब ये आएंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि इनका भी फेवरेट है टुकले की सब्जी और साथ में पायो, बड़ा टेस्टी होता है, मजा आता है खाने में है। और अगर मैंने फोन पे बोल दिया ना कि हमने बना दिया, तो बस फिर इनकी तो लाल टपकती रहेगी। तो इतना सारा बना लोगी तुम एक ही दिन में? बहुत सारा है वो नहीं। हाँ। तब ये तो तुम होनी की पूरा खा लोगे इसको। तो चलिए फिर ये भी अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए अपने कपड़े पैक कर रहे हैं। और वहाँ नीचे रखे हैं मेरे बर्तन, जैसा आप देख रहे होंगे वहाँ चौक में, तो हमारे नाश्ते के बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं, झाड़ू वगैरह करना है, पानी झाड़ू वगैरह करना, झाड़ू मारना क्या। और पानी हमारे यहाँ आ रहा था आज, लेकिन जब तक हमारी बारी आई तब तक पानी बंद हो गया। यार क्या किस्मत है यार हमारी। ये 2 टी-शर्ट बहुत है ना। वही जो आवाज आ रही है ये जेठानी यार इनकी भाभी है फेवरेट। गाली दे रही हो पता नहीं किसको, मुंडारू उठ रखा वाले इसको।
और तीन चार दिन, तीन दिन तो कंटिन्यू बारिश थी और चौथे दिन मतलब बारिश नहीं थी पर हल्की हल्की धूप थी, वो थी मतलब बादल, मौसम चेंज था। लेकिन आज बहुत ही सुहानी और बहुत ही तेज़ धूप आई हुई है। वैसे तो मौसम ऊपर से तो ख़राब है, बादल वगैरह लगे हैं, लेकिन वैसे धूप आ रही है तो तेज़ धूप है। कपड़े जो सारे फैलाए हुए हैं तो सारे होप सारे सूख जाएंगे। कपड़े हो गए आपकी तैयारी? मैंने बर्तन भी धो दिया। आ रही हूँ एक मिनट। चलो फिर तैयारी हो गई आपके जाने की। ये देखो उनका बैग वैग और दो बॉटल लेके जा रहे हैं। देखिए इनकी तैयारी हो चुकी है और तैयार होके ये जा रहे हैं। ये इनका क्या बोलते हैं, ऐसे थैला, ये मेरा पोटली, ये इनकी पोटली है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बर्तन वगैरह मैंने भी धो दिए हैं और मेरे बाकी जो काम है वो मैं करती हूँ। व्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी जैसे कि आपको पता ही है। तो ये जा रहे हैं और आज का व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। चलो बाय बाय बोल दो। और तीन दिन का टाइम दिया ना मैंने, दो या तीन दिन में ही आ जाएंगे परसों तक। अभी इनको एक और दो दिन में आने वाले थे, ये कल तक आ जाते वापस, लेकिन अभी इनको फिर से कॉल आया है तो ये हो सकता है तो तीन दिन लग जाए या चार दिन लग जाए, है ना। चलो क्या, मैं लेट हो जाएगी। बाय 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 बाय, ठीक है, आराम से गाड़ी चलाना ध्यान से और एक बजे वीडियो भी पब्लिक कर देना, ये ड्यूटी है आपकी। फिर आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा हमारा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलेंगे बहुत जल्दी इनके साथ, मतलब वीडियो तो आती रहेंगी। तो बाय बाय।